तू गाली 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 देगा तो फाड़ के भूसा भूसा भर भर देंगे। देंगे। दीजिएगा? हम नहीं जब से बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनी है तब से लगातार दलितों पर जो है जुल्म शोषण और अत्याचार का मामला जो है लगातार सामने निकल कर आ रहा है और हमारे पास लगातार सैकड़ों ऐसे फोन आ रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर यादव समाज ने दलित के व्यक्ति के साथ ये कर दिया तो यहाँ पर ये कर दिया फिलहाल ताज़ा मामला जो है बिहार के सिवान जिले के थाना दरियापुर के गांव अकबरपुर का है जहाँ पर दलित फैमिली की लड़की की शादी थी जहाँ पर आपको बता दूँ कि रामाकांत राम के पुत्री जिनका नाम जो है रिंकी कुमारी है उनके लड़की की जो है शादी समारोह चल रही थी और शादी समारोह जो है बहुत धूमधाम से चल रही थी और जिस शादी समारोह में जो है ऑर्केस्ट्रा सहित डीजे था और सारे जितने भी सारे बाराती थे इस शादी समारोह का काफ़ी उत्सव से और आनंद ले रहे थे तभी जो है गांव के कुछ यादव समाज के मंचले या फिर कुछ कहें तो दबंग लोग जो है वहाँ पर अपने हाथ में तमंचा लिए हुए आते हैं और ये कहते हैं कि हमारे गाँव में चमारों का इतना जो है हिम्मत कैसे बढ़ गया कि हमारे बिना इजाजत के जो है डीजे बजाने लगे और ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम करने लगे इसके साथ वो चमार शेयर का गाली गलौज करते हैं और सिर्फ चमार शेयर का गाली गलौज ही नहीं करते हैं उनके माँ बहन का भी गाली गलौज करते हैं इसको लेकर जो है रामाकांत जी विरोध करते हैं कि आखिर जो है आप लोग क्या चाहते हैं आप लोग मेरा इज्जत खराब करने के लिए आए हैं आखिर जो है शादी समारोह जब सब कुछ बढ़िया चल रही है तो आप लोग ये हंगामा क्यों खड़ा कर रहे हैं तभी जो है यादव समाज के जो लोग हैं धारधार हथियार से जो है राधे श्याम को सर पर वार कर देते हैं और राधे श्याम का सर जो है बिल्कुल फट चुका है और अभी स्थिति उनको नाजुक बताई जा रही है कि राधे श्याम अभी की उनकी स्थिति जो है नाजुक है और अभी उनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है हालांकि वॉयेंट की वजह से उनकी तस्वीर को दिखा नहीं सकते कि कितनी जो उनकी भयावह तस्वीरें अभी हो चुकी है लेकिन जिस तरीके से यादव समाज के लोग आए और जिस तरीके से दबंगई बतियाने लगे उसे लग ही नहीं रहा है कि आजाद भारत में दलितों के साथ ऐसा हो सकता है यादवों का कुछ नाम इस प्रकार है जैसे अभिषेक कुमार सिंह है इसके अलावा सूरज कुमार सिंह है ब्रजेश कुमार सिंह है इसके बाद धनंजय कुमार सिंह है और मनीष कुमार राय हैं ये ऐसे लोग हैं जो कि पीखा कर आते हैं और गाली गलौज कर लगते हैं स्टेज पर करने इसके बाद जो है उसका विरोध करने पर वे जो है दलित व्यक्ति को जो है बिल्कुल प्रताड़ित करते हैं और उन्हें जो है मारते पीटते हैं हालांकि जब ये पूरा का पूरा मामला रात को तो शांत हो जाता है उसके बाद जो है कृष्ण राय जो है वो सुबह में आते हैं और आप वीडियो देख सकते हैं किस तरीके से वो कह रहा है कि चीर कर जो भूसा भर देंगे और तुम्हारी हिम्मत कैसी है कि तुम मेरे से केस लड़ सकते हो चलिए दसवा केस भी मैं लड़ रहा हूँ इससे पहले भी केस लड़ा हूँ दसवा केस है और ऐसे करके किस तरीके से ये सब कुछ लोगों के बीच में जो है किसी तरह से जाति सूचक गाली दे रहे हैं और किस तरीके से साले सूचने और माँ बहन की गाली दे दे रहे हैं आप इस वीडियो में लगातार देख सकते हैं लेकिन सोचने वाली बात है कि इतना सब कुछ होने के बाद चूंकि ये मामला जो है सताइस फरवरी का है और 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 अब जब हम ये वीडियो बना रहा है तब तो इसको हुए पूरे जो है सत्रह दिन हो गए और सत्रह दिन होने के बावजूद भी जो है अभी तक किसी व्यक्ति पर जो है कार्रवाई नहीं हुई है एफ तो हुई है लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन जो है इन जितने सारे व्यक्तियों का नाम हमने पकड़े इन सारे व्यक्तियों को जो है हिरासत में लेने में विफल नजर आ रही है लेकिन सोचने वाली बात है कि कब तक जो है दलितों को कभी घोड़ी पर बैठने पर मार दिया जाता है तो कभी चौमिन खाने पर तो कभी जो है मोछ रखने पर और अब जो है शादी में डी बजाने और ऑर्केस्ट्रा जो है बजाने पर जो है ये कह दिया जा रहा है कि तुम हमारी हिम्मत के बिना हमारे इजाजत के बिना जो है तुम हमारे गांव में जो है डीजे नहीं बजा सकते हो तो कहीं ना कहीं जो है इस सुशासन के सरकार में प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है और साथ में ये भी कहती है कि आज़ादी के पचहत्तर साल हो गए और पचहत्तर साल बाद जो है सामाजिक आजादी हमको तो नहीं मिल पाई है भले ही हमारा देश आजाद हो चुका है लेकिन कहीं ना कहीं सामाजिक आज़ादी के मामले में दलित जो है आज भी पिछड़ेपन शायद इसीलिए दलितों पर सबसे ज्यादा जो है अत्याचार हो रहा है वैसे दर्शकों आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और वहाँ के आला अधिकारी तक पहुँचे वहाँ के आला अधिकारी के एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे और इस वीडियो को जो है कमेंट कर दीजिए और इस प्रकार के मानसिकता वाले लोगों के लिए आपका कहिएगा कमेंट कर दीजिए बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ कैमरे पर साथ ही हैं एडिटर हरेंद्र बसंत जी पहली बार आए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए धन्यवाद